हाय एवरीवन, ये काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू वीडियो है एंड वी आर इन साउथ गोवा राइट नाउ। और हम यहाँ पे एक इवेंट के लिए आए थे, बहुत ही अमेजिंग सा इवेंट था विच वॉज अ रिगी इवेंट। एंड रिगी हम सारे जो वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं एस्टिमेशन या इलेक्ट्रिकल के, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय रिगी। एंड दिस वॉज अ सुपर अमेजिंग इवेंट वेयर वी कुड मीट लॉट ऑफ क्रिएटर्स। एंड द हाईलाइट ऑफ द इवेंट वॉज वी कुड मीट महेंद्र सिंह धोनी, और ईज टू बी इन द सेम रूम विद द मैन, वो बहुत ही स्पेशल है और अलग चीज है। उसके बारे में हम डेफिनेटली अलग किसी वीडियो में बताएंगे, बट ये वीडियो स्पेशल क्यों है, बिकॉज राइट नाउ वी आर स्टेइंग इन अ प्रॉपर्टी इन साउथ गोवा। दिस इज गोल्डन क्राउन होटल एंड स्पा इन कोलवा, गोवा, साउथ गोवा। और यहाँ पर जो रूम है, बाहर का लैंडस्केप है, सब कुछ जिस तरीके से डिजाइन किया है बहुत ही खूबसूरत है। एंड स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द रूम, तो काफी डिफरेंट चीजें, फ्लूइड फॉर्म्स वगैरह ट्राई किए, दिस पोर्शन द टीवी यूनिट एरिया। और बिकॉज वी डिडंट प्लान टू शूट एनीथिंग, वी आर नॉट कैरिंग एनी कैमरा, माइक वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऑडियो इधर उधर हो सकता है, प्लीज एडजस्ट कर लो। एंड मैं सिर्फ व्लॉगिंग टाइप शूट कर रही हूँ, मुझे उसकी आदत नहीं है, बट स्टिल फोकस ऑन द डिटेल्स बिकॉज वी आर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, एंड यू नो हम हर जगह पे जाते हैं, डिटेलिंग ऑब्जर्व करते हैं, क्या मटेरियल यूज किया, किस तरीके से डिजाइन किया, सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, हमें ऐसे लगा कि अरे यार कितना सिंपल है बट कितना खूबसूरत है। बट ये वीडियो किस लिए है, क्योंकि यहाँ का जो वॉशरूम है ना, तो जनरली वॉशरूम प्लानिंग इतना ट्रिकी सब्जेक्ट है कि आपको ड्राई और वेट एरिया सेपरेट भी रखना है, आपको सारी चीजें अच्छे से प्लान करनी है, फिर स्टैंडर्ड्स और ये सारी चीजें मैनेज करना कई बार मुश्किल हो जाता है। एंड वी हैव क्रिएटेड सो मच कॉन्टेंट अबाउट वॉशरूम डिजाइन। सो यहाँ का जो वॉशरूम है ना, बहुत अच्छे से डिजाइंड है। और इसमें खासियत ये है कि इसमें ऑब्वियसली आपके शॉवर एरिया और WC वॉश बेसिन ये सब तो है, उसी के साथ उन्होंने एक बाथटब एकोमोडेट किया। एंड आई थिंक जितने स्पेस में वो सब कुछ उन्होंने अच्छे से फिट किया है, दैट इज द रीजन वाई वी आर शूटिंग दिस वीडियो। लेट्स क्विकली सी कि उसके मेजरमेंट्स क्या है और किस तरीके से डिजाइन किया। नाउ दिस रूम वॉज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और बाहर वरांडा वाला एक एंट्रेंस वाला एरिया था, लैंडस्केप एरिया था। दिस इज वेर यू एंटर द रूम, और लेफ्ट साइड में एक लगेज रैक वार्डरोब वाला हिस्सा है, राइट साइड ब्लू वाला जो हिस्सा है वो वॉशरूम वाला एरिया है। अगर वॉशरूम के डिमेंशंस की बात करेंगे तो 7'2" x 8'2" के इंटरनल डिमेंशंस है, और रूम के डिमेंशंस 14'x12'7" है। और इसी रूम से आप लैंडस्केप वाला एरिया, पूल वाला एरिया एक्सेस कर सकते हैं। बाहर जो आप देख सकते हैं, खूबसूरत सा कॉफ़ी टेबल वाला सीटिंग अरेंज किया था। सो दिस इज़ द बेसिक डिमेंशन प्लानिंग ऑफ द रूम। नाउ लेट्स सी द वॉशरूम प्लानिंग इन डिटेल। सो इसमें येलो में जो आप हाईलाइटेड एरिया देख सकते हैं, ये ड्राई एरिया है, एंड वी यूज ब्लू टू डिमार्केट द वेट एरिया, जिसमें आप देख सकते हैं एक बाथटब और एक शॉवर क्यूबिकल है। एक खासियत इस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग एंड एवरीथिंग, एक चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगी, अगर आप सारे एजेस देखोगे, देर आर नो एजेस एक्चुअली, देर आर नो कॉर्नर्स, सो 90 डिग्रीज में कोई भी एक भी कॉर्नर आपको नहीं दिखेगा। सारे जो कॉर्नर्स है उसको राउंड या कर्व किया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। और ये अचीव करने के लिए इसमें दे हैव यूज्ड बिसाजा टाइल्स, जो एक अप्रॉक्सीमेटली 1" x 1" के टाइल्स होते हैं, और उसके पीछे एक वायर मेश होता है जिससे आप उसको लगा सकते हैं, और बीच में जो भी ग्राउट वाला जो हिस्सा है आप ग्राउट से उसको फिल कर सकते हैं। नाउ बेस्ड ऑन योर टाइल्स यू कैन डिसाइड आपको कौन से कलर का ग्राउट उसमें करना है। यू माइट हैव सीन दिस मटेरियल स्विमिंग पूल के साइड में या स्विमिंग पूल में नीचे ये टाइल्स कई बार लगे हुए होते हैं। अगर आप आपके वॉशरूम में ऐसे कुछ कर्व्स वगैरह करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस मटीरियल, इट्स ईजियर टू अचीव कर्व्स इन दिस मटीरियल। ब्लू कलर का मटीरियल आप यहाँ पे काउंटर पे देख सकते हैं, वो कोरियन है। सो कोरियन, अगर आपको पता होगा, प्लाय में सारा ढांचा बनाते हैं और उसके ऊपर कोरियन चढ़ाते हैं। कोरियन में भी कर्व्स काफी इजीली आप अचीव कर सकते हैं। सो काउंटर की बात करेंगे तो 1'7" x 3'11" का काउंटर है। बाथटब की साइज अगर आउट एंड आउट देखेंगे तो 3'x5'2" का बाथटब है, जो एक्चुअली क्योंकि उसमें ब्रिकवर्क और साइड में वॉल्स होते हैं, सारा जो उसका प्लम्बिंग होता है वो मैनेज करने के लिए। अगर आप इंटरनल साइज देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5'x2'5" का बाथटब है। और एक अमेजिंग चीज़ इसमें और एक है कि ड्राई एरिया में WC के पीछे जो हम बंड वॉल बनाते हैं, अगर कंसील फ्लश टैंक आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए पीछे एक बंड वॉल बनानी पड़ती है। सो कई बार ये ट्रिकी होता है कि वो बंड वॉल का ऊपर किस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। इन दिस केस आप देखोगे कि पीछे की जो बंड वॉल है वो ऊपर तक लेके गए हैं, और जो शॉवर एरिया वाला उसका हिस्सा है उसको उन्होंने कर्व कर दिया है। शॉवर क्यूबिकल का इंटरनल डिमेंशन हम देखेंगे तो 4'x3' का है, विच इज़ क्वाइट स्पेशियस। और फ्लोर में ये जो दो स्पॉट्स आप देख सकते हैं डोर्स के नीचे, ये फ्लोर में जो लगे हुए एग्जैक्टली डोर के नीचे, वो डोर स्टॉपर्स हैं जो फ्लोर में लगते हैं। नाउ दैट वी हैव सीन एवरीथिंग, लेट्स सी द वॉक थ्रू।
आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. काफी इम्प्रॉम्प्टू वीडियो था, बट व्हेन वी सॉ द रूम, व्हेन वी सॉ द वॉशरूम एंड व्हेन वी सॉ द एंटायर प्रॉपर्टी, वी फेल्ट यार इसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करना चाहिए. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज के वीडियो में ऐसा क्या था, कौन सी टिप थी जो आपको अच्छी लगी. एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू द होम रेनोवेशन प्रोसेस या वॉशरूम रेनोवेशन के प्रोसेस में से जा रहे हो और इसमें से ऐसे कोई टिप थी जो आपको बहुत अच्छी लगी, आपको लगा यार प्लान करते वक्त ये हमें पता ही नहीं था, ये अभी हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी जरूर लिखिए. अगर कोई सवाल है उसके बारे में भी जरूर लिखिए. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, ऑल वीडियोस इस ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करना, सो दैट हर बार हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे. मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय.